मुरादाबाद जनपद के थाना भोजपुर अंतर्गत ग्राम काफियाबाद में सुरेंद्र सिंह नामक व्यक्ति की हत्या में नाम दर्ज किए गए परिवार के लोगों ने एसएसपी से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई है। एसएसपी को आरोपी पक्ष द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि उनके परिवार के लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने की नीयत से सुरेंद्र पुत्र नेत्राम निवासी काफियाबाद थाना भोजपुर जिला मुरादाबाद की हत्या की गई है। सविता नामक महिला का आरोप है कि उनके पति की हत्या में अभियुक्तों ने केस के फैसले के दबाव हेतु सुरेंद्र की हत्या कराई है। सुरेंद्र की हत्या में जो रोहित नाम लिया जा रहा है वे पूर्व में एक मुकदमे का बागी है तथा सचिन मुख्य गवाह मित्रपाल सिंह का बेटा है। घटना के समय रोहित, सचिन व जितेंद्र हमारे घर के कमरों में घर पर ही हैं तथा घर में चारा काट रहे थे, जिनकी फुटेज देखी जा सकती है। प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया है कि पूर्व में भी जेल में बंद अभियुक्तों के परिवार जनों द्वारा हमारे परिवार को कई बार धमकी दी गई थी कि अगर तुमने फैसला नहीं किया तो हम तुम्हें किसी झूठे केस में फंसा देंगे। एसएसपी से मांग की गई है कि इस केस की निष्पक्ष जांच कराकर सही दिशा में केस का खुलासा किया जाए। अगर यह मुकदमा सही दिशा में नहीं खुला तो उनके परिजनों को आगे भी किसी झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश हो सकती है। एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाते हुए इस मुकदमे की विवेचना उच्च अधिकारियों से कराए जाने की मांग उठाई गई है। एसएसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र के विषय में जानकारी देते हुए सुमित्रा एवं सविता नाम की महिलाओं ने बताया। इस मौके पर विकास, पार्वती, हरवती, कुसुम, संतोष देवी एवं माया देवी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। यह है कि हमें झूठा केस में फंसाया जा रहा है। हमसे चार महीना पहले हमारे देवर को मतलब गोली मार के हत्या कर दी गई। अभी उन्हीं लोगों ने हम पे क्रॉस केस करने के लिए और हमारे बच्चों को फंसाया जा रहा है झूठा केस में। और हम ये चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं कि हमें झूठा आरोप नहीं लगना चाहिए हम पर, हमें झूठा नहीं फंसाया जाए। और उस टाइम सब बच्चे हमारे घर में ही थे, हमें पता भी नहीं था, किसी और ने हमें पता दिया है, तब हमारे बच्चे इधर उधर हुए। आपके परिवार में किसका नाम आया है? हमारे परिवार में जितेंद्र सिंह का नाम आया है और रोहित का और सचिन का, तीन जनों का नाम आया है। ये तीनों निर्दोष हैं? तीनों निर्दोष है, अपने घर थे। सीसी कैमरे में भी आए हुए हैं और काम कर रहे हैं, अपने घर पर कुट्टी काट रहे हैं और चराई लेके आए हैं और घोरों को निला रहे हैं, सब काम करते हुए दिख रहे हैं उन कैमरों में। जो उनके उसके पापा खत्म हुए, उनके बेटे का नाम रोहित है, हमारा मासूम बच्चा, उसे फंसाया जा रहा है। ये कि बच्चा है जो हमारी अकेली हमारी दौरा नहीं है, और इसके बच्चे को भी फंसाया जा रहा है और आदमी की भी जान ले ली। आज आप किससे मिले थे? हम तो इनसे मिलने के लिए आए, अभी मिले भी नहीं है। क्या मांग करना चाहते हैं? हम ये मांग करना चाहते हैं निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, न्याय हो हमारे साथ में, अन्याय नहीं हो, हमारे बच्चे झूठे नहीं फंसाए जाए। हम किसके सहारे से टाइम काटेंगे जब हमारा बच्चा भी फंस जाएगा तो? बेटी भी हमारे पास हो, जमान बेटी है बुहारी, और हमारे आदमी को भी मार दिया और अब उनके बच्चों को भी फंसा रहे। चार महीना पहले एक मिनट उन्हें मार दिया था। क्या नाम है? आपका नाम क्या है? सविता। कहाँ से आई है आप? क्या समझ क्या शिकायत है? यही शिकायत है, हमारे आदमी को मार दिया था चार महीना पहले, अब दोबारा से हमारे बच्चे को फंसा लेके झूठे केस में, हमें जांच चाहिए। हमारे घर कैमरे लगे हुए हैं, उसमें जांच करी तो हमारे बच्चे कुट्टी काट रहे थे, उस टाइम और ले रहे हैं, हमें कोई पता नहीं था, किसी और ने बताया था जब हम वहाँ से। आपके बेटे का नाम आया? हमारे बेटे का नाम है रोहित। इनके बेटे का नाम है?